हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी की शादी की आज पहली रात थी और सलोनी घूंघट की अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी सलोनी को याद आता है कि उसकी माँ की कही हुई वो लाइन जो सलोनी की माँ ने उसे विदा करते समय समझाई थी। माँ ने कहा था कि मुझे किसी भी तरह से अमन से दूरी बनाकर सोना होगा। अगर वो मेरे साथ सोए तो पक्का है कि कल वो चलने के लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन उसे समझाऊं कैसे ये बात। अब जैसे ही अमन कमरे में आता है और वो कमरे की कुंडी लगाता है और सलोनी का घूंघट उठाकर अमन कहता है, सलोनी तुम वाकई बहुत सुंदर हो। जी वो तो मैं हूँ बचपन से ही, आप तारीफ करने में थोड़ा लेट हो गए। सलोनी को तो नींद आ ही रही होती है, लेकिन अमन सलोनी से बातें कर रहा था। तभी सलोनी अपना तकिया लिए अमन से कहती है, जी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करते हैं ना। और मैं तो चली सोने, सोफे पर, आप बेड पर सो जाइए। अरे लेकिन तुम बेड पर क्यों नहीं सो रही, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आपको होगी अगर मैं आपके साथ सो गई। क्या मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं नहीं सलोनी, मुझे क्या दिक्कत, तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सो जाओ। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो सो ही जाती हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना। अब अमन सोचने लगता है, सलोनी ऐसे क्यों बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अमन देर रात जैसे ही गहरी नींद में होता है तभी सलोनी नींद में पैर चलाने लगती है, जो कि जाकर अमन को लगता है, और अमन का पिछवाड़ा तो मानो टूट ही गया हो। अब इधर अमन दर्द से चिल्ला रहा था, ए सलोनी आ, आ, ए रुक जा, ए मार दिया रे। उधर सलोनी अपने पैर चलाए जा रही थी और अमन बेड के नीचे। लेकिन जैसे ही उठकर वो अपनी बीवी को उठाने की कोशिश करता है, अमन के नाक पर एक और लात पड़ती है और अब की बार अमन सीधे जमीन पर लेट जाता है। लेकिन कुछ समय बाद सलोनी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अमन नीचे गिरा पड़ा है। ये देखकर सलोनी खुद से कहती है, लगता है मेरी मार का असर है, मैंने मना किया था ना कि मुझे नहीं सोना आपके साथ, लेकिन नहीं, आपको तो मेरे साथ ही सोना है, तो बुक तो अब। अब अगली सुबह सलोनी किचन में काम कर रही होती है, तभी अमन उठकर अपने कमरे से आता है और अपनी माँ मोहिनी से कहता है, माँ मुझे गर्म पानी चाहिए, कमर में थोड़ा दर्द है, जल्दी दे दो। बेशर्म, अपनी माँ से कमर सेकने के लिए पानी मांग रहा है, अपनी बीबी से मांग। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है माँ, वो तो आप अपनी बहू से ही पूछ लो, इसने क्या किया है मेरे साथ। राम राम, एक ही रात में सारी शर्म बेच खाया है कमीना। इतना बोलने के बाद मोहिनी चप्पल फेंक कर भन बनाते हुए घर से बाहर चली जाती है और अमन खुद ही पानी गर्म करके अपने बैग की सिकाई करता है। अब देर शाम मोहिनी अपनी बहू से पूछती है, बहू मुझे ये बता कि अमन को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, रात में ऐसा क्या हुआ। ये सुनकर सलोनी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अब मोहिनी मन में सोचती है, मैं भी ना जाने क्या ही पूछ रही हूँ बच्चों से, वो भी शर्मा गई। अब देर रात अमन अपनी बीवी को तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप ना जाकर सलोनी के साथ सो जाओ, मुझे यहाँ सोना है, बिना कोई सवाल के जाना है तो बता दो। बेशर्म, आज तेरी शादी को 2 दिन ही हुए हैं और तू तमाशा कर रहा है। मोहिनी भी जाकर अमन के कमरे में सो जाती है और सलोनी ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं सोफे पर सो जाऊँ क्या, आप बेड पर आराम से सो जाओ। बहू आ जा मेरे साथ ही सो जा, ना जाने अमन को क्या हुआ है, बता ही नहीं रहा और मैं तुझसे पूछने वाली नहीं हूँ। अब इधर अमन अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, ना जाने माँ आज बच पाएगी भी के नहीं, लेकिन उन्हें पता भी तो चलना चाहिए कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब देर रात फिर से सलोनी नींद में पैर चलाने लगती है और इस बार तो सलोनी के पति की जगह उसकी सास थी, जिसे नींद में लात ही लात सलोनी मारने लगती है। नींद में अपनी बहू के पैर चलते देखकर मोहिनी कुछ समझ नहीं पाती और बेड से सीधी नीचे गिर जाती है और गिरते ही जोरों से चिल्लाती है, हाय दैया मर गई, मेरी बैक कमर दोनों टूट गई रे, भगवान क्या करूं, मुझे तो इस औरत ने बैठने लायक नहीं छोड़ा है। ये सुनकर अमन अपने कमरे में आता है और अपनी माँ को नीचे गिरा हुआ देखकर उसे उठाते हुए कहता है, माँ आप ठीक तो है ना, मैंने सोचा अचानक पता नहीं क्या हो गया माँ को। मैं तुझे समझ नहीं पाई बेटा, इस औरत ने तो आज मेरी जान ही ले लेनी थी, सही समय पर तू आ गया, देखना कितनी मस्ती में सो रही है लात चलाने के बाद।
अब पता चला ना माँ कि मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ। अगली सुबह मोहिनी और अमन दोनों ही अपनी कमर की सिकाई करते हैं और मोहिनी अपनी बहू से कहती है, मैं अमन को कह रही थी कि क्या हुआ इसके साथ और देख अब मेरे साथ क्या हुआ। ये बातें चल ही रही होती है कि घर में विमला का आना होता है। विमला आते ही मोहिनी से कहती है, क्या हुआ दोनों माँ बेटे को, बहू आई नहीं कि खाट पकड़ ली। कुछ नहीं, बस अब उम्र हो गई है तो गर्म पानी से कमर की सिकाई कर रही थी। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि सोचा तुझे कह दूँ कि कल मेरे घर पर ना ही बेटा है और ना ही बहू, क्या मैं तेरे घर रात सोने के लिए आ जाऊँ। हाँ हाँ विमला, क्यों नहीं, तेरा अपना ही घर है। अब देर रात विमला मोहिनी के घर आती है और विमला सलोनी से कहती है, बहू मैं हॉल में सो जाती हूँ, यहीं पर मेरे एक चादर ला दे। वो विमला को अपने साथ अपनी बहू के कमरे में ले जाती है और खुद मोहिनी सोफे पर सोती है। सोते ही सलोनी नींद में ही लात मारना चालू कर देती है और अब की बार सलोनी की लात का शिकार होती है विमला और विमला सीधे नीचे गिर जाती है। विमला की आवाज़ सुनकर मोहिनी उसे उठाने जाती है और सलोनी अब भी लात चला रही थी और दूसरी लात मोहिनी के मुंह पर लगती है और वो विमला के ऊपर ही गिर जाती है। तो विमला चिल्ला पड़ती है और कहती है, मर गई रे मर गई, मोहिनी तुझे अपने घर में नहीं सुलाना था तो नहीं सुलाती, अपने बहू से लाते क्यों खिलवा रही है। ये लात मैं बहुत पहले खा चुकी हूँ और अब इस औरत के साथ सोई तो मैं समय से पहले निकल लूँगी। उठा मुझे मोहिनी, तू तो मुझे उठाने के चक्कर में मुझ पर ही गिर गई, मेरी कमर जो बची भी लगती थी अब वो भी नहीं बची होगी। अरे राम रे, एक तो तुझे उठाने आई थी तब तक मेरी बहू ने दूसरी लात चला दी, उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ, मेरी नाक लगता है टूट गई। इतनी देर में चिल्लाने की आवाज़ से सलोनी की भी नींद खुल जाती है और वो विमला के ऊपर मोहिनी को गिरा देखकर अपनी सास को उठाते हुए कहती है, माँ जी कैसे गिरे आप लोग, विमला आंटी अभी उठो। ना रे बाबा ना, तू तो मुझे मत ही छू। बहू ये सब ना तेरा किया धरा है, तुझे नहीं लगता, तेरी आदत जान लेने वाली है और अगर ऐसा ही रहा ना तो मेरा बेटा तो बाप भी नहीं बनने लायक रहेगा और तो और मैं अपने पोता पोती का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। तेरे और तेरे बेटे का तो पता नहीं लेकिन अब मैं बैठ पाऊंगी या नहीं इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। माँ जी आप लोग गिरे कैसे, क्या कर रहे थे इतनी रात को। लोग कर लो बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किसे बता मोहिनी कि ये सब इसी का किया धरा है। विमला अभी अभी मुँह से बताया है, फिर भी अगर ये ऐसे सवाल कर रही है तो इसमें मेरी क्या गलती। हाय रे मेरी नाक। माँ जी मुझे माफ करना, वो मुझे सपने में हाथ पैर चलाने की आदत है। बहू बहुत अच्छी आदत है, ऐसे ही हाथ पैर चलाने चाहिए रात के समय, क्या पता तेज लात किसी चोर को लग जाए। ठीक कह रही हैं आप विमला आंटी, वैसे भी आदत तो जाने से रही। हे भगवान बचा लेना मेरे बेटे को इस डायन से, कभी इसकी लात से ही ना मर जाए बेचारा मेरा लाल पीला नीला। मोहिनी तो अब गलती से भी सलोनी के साथ सोने नहीं वाली थी और अमन भी बेचारा डर डर कर सोया करता, वो भी अपनी ही बीवी के साथ, क्योंकि सलोनी की ये आदत तो जाने से रही। लेकिन अमन के लिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जैसी बात थी तो किया भी क्या जा सकता था। भूमि एक बहुत ही अमीर औरत थी, उसके तीन लड़के थे। भूमि ने तीनों लड़कों की शादी करवाने का अपने मरते हुए पति को वादा किया था। कुछ दिनों बाद भूमि तीनों लड़कों के लिए अच्छी लड़की देखकर उनका रिश्ता तय कर देती है और कुछ ही दिनों बाद तीनों बेटों की एक साथ शादी करती है। शादी के अगले दिन जब तीनों बहुएं टेबल पर खाना परोसती है तो बड़ी बहू महक बोलती है, आज मैंने खास आपके लिए मूली के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, आज तो तुम तीनों की पहली रसोई है ना और तुमने मूली के पराठे बनाए हैं। मंझली बहू और छोटी बहू आज तुमने क्या बनाया है। मंझली बहू खुशबू और छोटी बहू सुगंधा साथ में कहती है, आज हमने साथ में मिलकर वेज पुलाव और रायता बनाया है। देखा माँ जी आपकी तीनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। हाँ दिख ही रहा है, लेकिन मेरे तीनों बेटे कहाँ रह गए। आज इन्हें जल्दी जाना था इसलिए वो चले गए, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और ये जॉगिंग पर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों हो ना साथ में मिलकर खाना खाते हैं, आओ बैठो। सब साथ में खाना खा ही रहे थे कि तभी महक धीरे से बिना आवाज का पाद मारती है और बहुत जोर से वहाँ बदबू फैल जाती है।
भूमि चिल्लाते हुए कहती है। अरे कौन है ये, बिना आवाज की गंध छोड़ती, नहीं पछता तो मत खाया करो ना मूली के पराठे। कौन साइलेंट पा छोड़ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सब अच्छे से पचता है, तभी तो बनाया है। और जो भी पाद मार रहा है ये, तो ये साइलेंट वे में पाद क्यों मार रहा है, आवाज तो कर ले थोड़ी। छोड़ो ये सब क्या बातें कर रहे हो आप सब, मुझसे तो इतनी गंदी बदबू में खाना ही नहीं खाया जाएगा। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा ही रहे थे कि तब तक खुशबू जोरदार आवाज वाला पर बिना बदबू का पाद मारती है और तब भूमि बोलती है। ये क्या था, बदबू पहले आई थी और आवाज अब आ रही है? आवाज तो खुशबू की तरफ से आ रही है, मतलब खुशबू तुमने मारा ये गंदा बदबूदार पाद। नहीं नहीं, मैंने तो अभी पाद नहीं मारी और मेरी पाद में तो बदबू भी नहीं है। तभी वही जोर से आवाज करते हुए सुगंधा भी बदबूदार पाद मारती है और खुशबू बोलती है, ये लो सुगंधा ने पाद मारी थी। कैसी बहुएं आई हैं घर में, तुम तीनों तो मेरा सांस लेना मुश्किल कर दोगी घर में। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो बस एक बार हुआ था, वो भी गलती से। लो कर लो बात, अब तक तो तुम ही दोनों पर इल्जाम लगा रही थी, तुम्हें भी विस्फोट करने की आदत है क्या? नहीं माँ जी, मेरे विस्फोट में बस आवाज ही है, बदबू नहीं। और मेरे में बस बदबू ही है, आवाज नहीं। कोई बात नहीं, ये तो कॉमन है, मेरे में तो आवाज और बदबू दोनों है, कोई बात नहीं। हे भगवान, कैसी बहुएं हैं ये, कोई गरज रही है तो कोई बरस रही है, और एक तो गरज भी रही है और बरस भी रही है, वो दोड़ी बहुएं मेरे ही पल्ले पड़नी थी क्या? इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद भूमि की पड़ोसन लता उसके घर आती है और भूमि अपनी तीनों बहुओं से लता को मिलवाती है। लता तीनों बहुओं से मिलने के बाद कहती है, तेरे तीन बहुएं तो बहुत ही सुंदर है, तेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ वो तो मुझे ही पता है। क्या मतलब तेरा? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इतने में सुगंधा जोरदार पाद मारती है और लता हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, ये तो होता ही रहता है, लेकिन रूम फ्रेशनर डाल ले यहाँ, वरना मैं बेहोशी हो जाऊंगी। तभी खुशबू भी जोरदार पाद देती है और भूमि बोलती है, देखा मेरे भाग, ये तो इंसानी फितरत है, होता रहता है, और वैसे भी खुशबू बहू की पाद में बस आवाज है, बदबू नहीं। लता जैसे ही ये बोलती है कि तभी महक भी बिना आवाज के पाद मारती है, और जैसे ही महक पाद मारती है लता मुंह बनाते हुए कहती है, अरे भूमि तू पता नहीं कैसे तीन पदोड़ी बहुओं के साथ रह लेती है, वरना मैं यही बदबू से उल्टी कर दूंगी। इतना बोलकर लता वहाँ से चली जाती है और कई दिन इसी तरह कहीं घर में बदबू तो कहीं आवाजें निकलने लगती हैं। कुछ दिनों बाद भूमि तीनों बहुओं के लिए हार बनवाती है और एक एक करके तीनों के कमरे में जाने लगती है। पहले भूमि सुगंधा के कमरे में जाकर बोलती है, छोटी बहू ये ले, मैं तेरे लिए हार लाई हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा चल अब मैं बाकी दोनों बहुओं के कमरे में जा रही हूँ, उन्हें भी तो हार देना है। आप इतने प्यार से लाई हो तो पहना भी दो ना। चल तू बोल रही है तो पहना ही देती हूँ। जैसे ही भूमि सुगंधा को हार पहनाती है, तुरंत सुगंधा जोरदार बदबूदार पाद मारती है और पूरे कमरे में बदबू फैला देती है। तभी सुगंधा बोलती है, सॉरी माँ जी, वो कल मैंने समोसे खा लिए थे इसलिए पाद आ रही थी बार बार। अरे करम चली, तुझे जब पता है तू विस्फोट करती रहती है तो तुझे क्या जरूरत है समोसे खाने की। मैं तो बच गई बेहोश होते होते, मुझसे नहीं रुका जाएगा। और अब यहाँ सुगंधा को हार देने के बाद भूमि खुशबू के कमरे में जाती है। खुशबू अपने पति अजय के साथ बैठी होती है। भूमि के आते ही वो जोरदार पाद मारती है और अजय कहता है, खुशबू तुम्हारा विस्फोट तो कान के पर्दे हिला देगा। अरे अरे ये क्या हाल बना रखा है, पहले पूरा घर खुशबू से महकता रहता था और अब देखो। माँ जी आप यहाँ कोई काम है क्या? हाँ वो मैं तुम्हें हार देने आई थी, तीनों बहुओं के लिए बनवाया था मैंने। माँ खुशबू को हार की जरूरत नहीं है, ढंग के आहार की जरूरत है। क्या अभी हो जाता है ये तो कभी कभी। नहीं तुम लोगों से तो घर में चहल पहल रहती है, एक के पीछे रूम फ्रेशनर लेके भागो तो दूसरी से अपने कान बचाओ, और तीसरी तो महान ही है, उसके पास जाना तो खतरे से खाली नहीं है। इतना बोलकर भूमि महक के कमरे में जाती है और उसे जैसे ही हार देती है, महक बिना आवाज के बदबूदार पाद मारती है और भूमि बेहोश हो जाती है। और वहाँ बाकी की दोनों बहुएं और अजय आते हैं। भूमि को होश में लाया जाता है और अजय बोलता है, क्या हुआ माँ,
आप अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? अरे सुगंधा बहू और खुशबू बहू, पाद मारती हो तो कम से कम खतरे से आगाह तो करती हो, लेकिन महक बहू तो सीधा हमला ही कर देती है। मतलब आप महक दीदी की बात से बेहोश हो गई थी? क्या दीदी, आप भी ना, आपकी पाद ने तो माँ जी को गिरा ही दिया। मैं कोई जान पूछ कर थोड़ी ना करती हूँ, कुछ भी बाहर का खाती हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है, उसके बाद मुझे एक के बाद एक फाट आना शुरू हो जाता है। आपसे अच्छी तो मैं ही हूँ, बस आवाज ही आती है मेरी, बदबू नहीं होती उसमें। मैं तो पहले ही आवाज करके सावधान कर देती हूँ। चुप करो तुम तीनों, यहाँ तुम तीनों की वजह से घर का हाल बुरा हो रखा है, और तुम तीनों ही आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रही हो। हटो, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, यहाँ तो किसी के कमरे में आराम ही नहीं है। इतना बोलकर भूमि अपने कमरे में चली जाती है और बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और कई दिनों तक जब घर में यही सब चलता रहता है, तो एक दिन भूमि अपने तीनों बेटे संजय, अजय और विनोद और उनके तीन पत्नियों को बुलाती है और बोलती है, बहुत हो गया ये पदोड़ी बहुए। क्या हुआ माँ? यही हुआ है, तीनों बहू के चक्कर में घर में हमेशा बदबू ही रहती है, सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हाँ आप सही बोल रही हो माँ, हमें घर से मत निकालना। घर से किसी को भी नहीं निकलना है, लेकिन ये जो तुम तीनों की जहरीली बदबू है उसे बाहर निकालना है। लेकिन ये होगा कैसे? अब से तुम तीनों रोज सुबह व्यायाम करोगी, घर में सादा खाना ही बनेगा और बाहर का कुछ भी खाना ना ही घर में आएगा और ना ही तुम तीनों बाहर से कहीं खाओगी। जी माँ जी। इससे क्या हमारी पाद मारने की आदत ठीक हो जाएगी? हाँ, लेकिन तुम तीनों को रोज इसी तरह करना पड़ेगा। तीनों भूमि की बात मान लेते हैं और रोज व्यायाम करने लगते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं और बाहर का कचरा खाना छोड़ देते हैं। कुछ ही दिनों में तीनों की पाद मारने की आदत कम होने लगती है और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर सब बिना पाद मारे खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।